नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इंडिया फिट में। आज मैं लेकर आई हूँ फिर से एक ऐसा टॉपिक जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के साथ साथ हमारी हेल्थ से भी जुड़ा हुआ है और आज इसका इस्तेमाल हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा भी बन चुका है। उसके बिना जीवन की कल्पना करना भी मुश्किल है और वो है हमारा मोबाइल। जी हाँ, वही मोबाइल जिसकी मदद से शायद अभी आप ये वीडियो भी देख रहे होंगे। परंतु क्या आप जानते हैं कि इस मोबाइल से सिर्फ फायदे ही नहीं हैं, बल्कि कई नुकसान भी हैं। और नुकसान भी कुछ ऐसे वैसे नहीं, नुकसान आपकी सबसे कीमती चीज का है जो है आपकी सेहत, जिसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। लेकिन क्या आज बिना मोबाइल के जिंदगी चलाई जा सकती है? शायद नहीं, मैं तो ऐसा ही सोचती हूँ। स्मार्टफोन आजकल लोगों की जिंदगी का इतना बड़ा और अहम हिस्सा हो गया है कि लोग खाना खाए बिना तो कुछ देर रह सकते हैं, लेकिन मोबाइल का डेटा खत्म हो गया या बैटरी खत्म हो गई तो उन्हें बेचैनी सी होने लगती है। स्मार्टफोन के कई सारे नुकसान हैं तो कई फायदे भी हैं, जैसा कि हमने पहले भी कहा। लेकिन दुख की बात यह है कि फायदे की बजाय फोन से लोगों को नुकसान भी बहुत हो रहा है। लेकिन दोस्तों, कुछ सावधानियां अपना के इसके होने वाले नुकसान को कम जरूर किया जा सकता है। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को और आपको बताते हैं कि मोबाइल से कैसे और किस वजह से हमारी सेहत को नुकसान पहुंचता है और इससे बचाव कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले जो नुकसान है वो है मोबाइल रेडिएशन से। आखिर क्या है मोबाइल रेडिएशन और ये सेहत के लिए कितना हानिकारक है, चलिए जानते हैं। मोबाइल रेडिएशन मोबाइल से निकलने वाली एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तरंग है, जिनकी वजह से आपका मोबाइल नेटवर्क सिग्नल पकड़ता है और जिन सिग्नल की वजह से आपकी आवाज, इमेजेस और अन्य डेटा एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल पे ट्रांसफर होते हैं। आप कह सकते हैं कि ये एक ऐसा तारों का जाल है जो दिखाई तो नहीं देता, परंतु आपके आसपास चारों तरफ फैला हुआ है और ये हर समय आपके आसपास रहने वाले नेटवर्क डिवाइस से निकलता रहता है और ये उस समय और ज्यादा तेज हो जाता है जब किसी भी प्रकार का डेटा, जैसे कि वॉइस नोट्स, इमेजेस या वीडियोस ट्रांसफर हो रही होती हैं। आसान भाषा में कहें तो जब आप फोन का यूज कर रहे होते हैं उस समय ये रेडिएशन अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच जाती है और अगर कोई ऐसा एरिया हो जहां नेटवर्क की समस्या है तो उस समय ये रेडिएशन वैल्यू और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आपके मोबाइल को नेटवर्क बनाए रखने के लिए ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है। अब ऐसे में मोबाइल रेडिएशन से डिप्रेशन समेत कई घातक बीमारियों के होने की आशंका रहती है। अगर आप अपने मोबाइल फोन के रेडिएशन को चेक करना चाहते हैं तो इसके लिए अपने मोबाइल से *#07# डायल करना होगा। ये नंबर डायल करते ही मोबाइल स्क्रीन पर रेडिएशन संबंधी जानकारी आ जाएगी। इसमें दो तरह से रेडिएशन के स्तर को दिखाया जाता है, एक हेड और दूसरा बॉडी। हेड यानी कि फोन पर बातचीत करते हुए मोबाइल रेडिएशन का स्तर क्या है और बॉडी यानी फोन का इस्तेमाल करते हुए या जेब में रखे हुए रेडिएशन का स्तर क्या है। आईफोन में रेडिएशन वैल्यू चेक करने के लिए आप सेटिंग में जनरल के बाद लीगल में RF एक्सपोजर चेक कर सकते हैं। मोबाइल रेडिएशन से दिमाग का कैंसर, एकाग्रता, आँख की समस्याएं, तनाव में वृद्धि, जन्मजात के लिए जोखिम, न्यूरोडीजेनरेटिव डिसऑर्डर, दिल के दौरे का जोखिम, प्रजनन क्षमता कमजोर हो जाना और सुनने में परेशानी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। एम्स और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने एक स्टडी में दावा किया है कि मोबाइल रेडिएशन के कारण इंसान बहरा भी हो सकता है और यहां तक कि नपुंसक होने की भी संभावना बढ़ जाती है। हालांकि इसका कोई साक्ष्य अभी तक सामने नहीं आया है। दूसरा खतरा जो मोबाइल के इस्तेमाल से बढ़ता जा रहा है वो है कि स्मार्टफोन के ज्यादा इस्तेमाल के साथ ही लोगों में गेमिंग की लत भी बढ़ रही है, जो कि अब जानलेवा साबित हो रही है। ऐसे में शरीर में मांसपेशियों का सिकुड़ना, हड्डियों और नजर का कमजोर हो जाना और मानसिक तनाव जैसे रोगों की समस्या कम उम्र में ही बढ़ रही है।
ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि फोन का इस्तेमाल करते हुए हम लोग घंटों घंटों तक स्क्रीन पे आंखें गढ़ाए एक ही मुद्रा में बैठे रहते हैं, जिसकी वजह से शरीर में रक्त प्रवाह बाधित हो जाता है और कई प्रकार के रोग भी अपनी जगह शरीर में बना लेते हैं। तो ऐसे में कुछ सावधानियां हैं जिन्हें अपनाकर आप इन रोगों के जोखिम से बच सकते हैं। सबसे पहले ये जांचें कि जो फोन आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसका रेडिएशन का स्तर क्या है। संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट के तहत किसी भी स्मार्टफोन, टैबलेट या अन्य स्मार्ट डिवाइस का रेडिएशन 1.6 वाट प्रति किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए। शरीर से डिवाइस की 10 मिलीमीटर की दूरी पर भी ये नियम लागू होता है। यदि फोन पर बात करते हुए या जेब में रखे हुए आपका डिवाइस रेडिएशन की इस सीमा को पार करता है तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अगर फोन का स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट 1.6 वाट प्रति किलोग्राम से ज्यादा है तो तुरंत अपना फोन आज ही बदल लें। टेक्नोलॉजी विशेषज्ञों के मुताबिक डिवाइस को रेडिएशन से बिल्कुल मुक्त तो नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ समय के लिए इससे बचा जरूर जा सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार फोन को चार्जिंग पर लगाकर कभी बात नहीं करनी चाहिए। इस वक्त मोबाइल रेडिएशन 10 गुना तक बढ़ जाती है। सिग्नल कमजोर होने या फिर बैटरी डिस्चार्ज होने पर कॉल करने से बचें। इस दौरान भी रेडिएशन का लेवल बहुत बढ़ जाता है। जहां तक संभव हो स्पीकर फोन, ईयरफोन्स या हेडफोन्स का इस्तेमाल करें। इससे शरीर पर रेडिएशन का इफेक्ट कम पड़ता है। और लगातार फोन का इस्तेमाल करने से बचें। बीच बीच में ब्रेक लेते रहें। कॉल पे बात करने से अच्छा व्हाट्सएप या मैसेजेस पर बात करें। मोबाइल को जहां तक संभव हो शरीर से दूर रखें। अगर पॉसिबल हो तो रात को सोते समय फोन या टैबलेट जैसे डिवाइसेस को स्विच ऑफ कर दें। आप अल्टरनेट के तौर पर लैंडलाइन का यूज भी कर सकते हैं। जहां तक हो सके तो कोशिश करें कि छोटे बच्चों को तो मोबाइल का इस्तेमाल बिल्कुल ना करने दें। तो दोस्तों, आज की इसी जानकारी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अपने सुझाव हमें कमेंट करके भी जरूर बताएं। आपके कमेंट्स पढ़कर हमें अच्छा भी लगता है और मोटिवेशन भी मिलती है। मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।